हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो यहाँ पर दो वर्ड यूज किया गया, शिफ्टिंग और रोटेशन। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। तो देखिए, अगर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें दो गुड्स को मानते हैं, थे कि एक गुड्स को वाई एक्सिस पे ले लिए, एक गुड्स को एक्स एक्सिस पे, थे एक्स गुड्स एक वाई गुड्स। तो अगर किसी भी फैक्टर्स, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत कुछ आता है, टेक्नोलॉजी, तो लेबर, तो लैंड, तो जितना भी है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करने से, अगर मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन रहा है, पर अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंज करने से अगर हमारा वाई गुड भी इंक्रीज करता है और एक्स गुड भी, एक गुड भी इंक्रीज करता है, या फिर फैक्टर्स में चेंज करने से वाई गुड्स का प्रोडक्शन भी डिक्रीज करता है और एक्स गुड्स का प्रोडक्शन भी डिक्रीज करता है, तो ये हमारा हो गया शिफ्टिंग। मतलब कि इस पॉइंट से शिफ्ट कर रहा है, मतलब शिफ्टिंग मतलब दोनों पॉइंट अपने शिफ्ट कर रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब हमारा इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए लैंड, लैंड में हम लोग इंक्रीजमेंट कर देंगे, तो दोनों में इन दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। जब दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो हो जाता है शिफ्टिंग, अगर किसी एक और दोनों का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा, और जब दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो देखा आपने क्या शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। शिफ्टिंग का मतलब होता है जब हमारा एक्स गुड और वाई गुड दोनों में, दोनों के प्रोडक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो। इंक्रीज भी हो सकता है तो दोनों में होगा, या डिक्रीज भी हो सकता है तो दोनों में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब क्या है, तो रोटेशन का मतलब देखिए क्या सिंपल सा है। रोटेशन में है कि एक गुड का प्रोडक्शन, मान लीजिए वाई गुड्स और एक्स गुड है, तो एक गुड का प्रोडक्शन जो है वो सेम जहां हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे में चेंज होगा, दूसरे में चेंज होगा। मतलब कि अगर एक्स वाई गुड है तो वाई का गुड का प्रोडक्शन 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन एक्स गुड का है जो 9 से 10 हो गया या फिर 10 से 11 हो गया, तो इसमें चेंज सिर्फ किसमें हुआ, एक्स गुड में हुआ। तो ये रोटेट किया फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, तो ये हमारा क्या हो गया रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब समझ गए, जब हमारा दोनों गुड्स में इंक्रीज ना हो गए, इसमें क्या शिफ्टिंग में क्या होता था, दोनों में इंक्रीज या दोनों में डिक्रीज होता था, लेकिन रोटेशन में हम लोग का क्या है कि किसी एक गुड्स में इंक्रीज होगा या किसी एक गुड्स में डिक्रीज होगा। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ओ पर था, अब इसके एक्स गुड का जो भी प्रोडक्शन था डिक्रीज हो गया तो वो पी पॉइंट पर आ गया, तो डिक्रीज होगा तो किसी एक गुड्स में। ये जरूरी नहीं है किसी एक्स गुड पर ही हो, वाई गुड्स पर भी हो सकता है। जैसे देखिए, ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है, अगर एक्स गुड का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, मान लीजिए 10 हो रहा है, और वाई गुड्स का भी प्रोडक्शन 10 हो रहा है, तो ये हमारा कर्व बना। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या हुआ कि वाई गुड्स के प्रोडक्शन में चेंज हो गया, मान लीजिए वाई गुड्स का प्रोडक्शन 12 होने लगा, तो 12 होने के कारण क्या हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ, तो सिर्फ वाई गुड्स में इंक्रीज हुआ, ये एक्स गुड में नहीं ना हुआ, तो ये हो गया हमारा रोटेशन। ठीक है, तो दोनों वर्ड का मतलब समझना जरूरी था, क्योंकि आगे जितना भी कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड है। तो देखिए, देखते हैं हम लोग आगे कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट रोटेट अंडर द फ्लोइंग कंडीशन। अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, उसमें देखेंगे कि किसमें हम लोग का शिफ्टिंग होगा या किसमें रोटेशन होगा। ठीक है, देखिए पहला जो कंडीशन दिया हुआ है वो चेंज इन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में क्या आ जाएगा, तो रिसोर्सेस में हम लोग सिंपल से ले सकते हैं लैंड, इरिगेशन फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अगर मान लीजिए हमारे खेत है हमारे पास, तो अगर मान लीजिए पहले हम आधा आधा में लगा रहे थे, आधा में गेहूं लगा रहे थे और आधा में लगा रहे थे क्लॉथ। ठीक है, अब हम लोग के पास लैंड बढ़ गया, 2 एकड़ लैंड हो गया, तो अब हम लोग आधा आधा में ही लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, अब इतना में गेहूं लगाएंगे और इतना में क्लॉथ लगाएंगे, तो इतना में क्लॉथ लगा दिए
इतना में गेहूं लगा दिया। तो पहले पहले ये पार्ट था गेहूं का, अब पार्ट ये हो गया। अब पहले ये पार्ट था क्लॉथ का, अब पार्ट ये हो गया। तो दोनों में चेंज हुआ ना, दोनों में चेंज हुआ ना, ठीक है। फिर से आप समझ सकते हैं इसको, जैसे कि पहले लैंड मेरे पास इतना था, मतलब कि रिसोर्सेस मेरे पास क्या था, क्या था देखिए, पहले रिसोर्सेस हम लोग पास ये था, ठीक है। तो हम लोग इसमें प्रोडक्शन कर रहे थे व्हीट का, इसमें क्लॉथ का, ठीक है। अब हम लोग के पास लैंड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, क्या हुआ, चेंज इन रिसोर्सेस। तो चेंज इन रिसोर्सेस में पहला रिसोर्सेज आर इंक्रीज, तो पहला रिसोर्सेज चेंज इन रिसोर्सेज में पहला इंक्रीज हो गया, तो हम लोग के पास लैंड इतना हो गया, ठीक है। अब इसका हाफ अप कर रहे हैं, तो अब इसमें व्हीट लगा रहे हैं और इसमें क्लॉथ लगा रहे हैं। तो देखिए, जब हम लोग बस लैंड इंक्रीज किया तो पहले क्लॉथ इतना में यूज हो रहा था, लेकिन अब क्लॉथ इतना में हो रहा है, मतलब क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्लॉथ जो हमारा है ये एक्स गुड पे है, ठीक है। एक्स गुड हमारा कौन सा है, क्लॉथ है। तो क्लॉथ का प्रोडक्शन पहले इतना हो रहा था, पहले यहां से लेके यहां तक हो रहा था, और ऐसे ही हमारे पास रिसोर्सेस में चेंज आया तो यहां से लेके यह चेंज हो गया, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक प्रोडक्शन होने लगा, बी टू बी वन हो गया, ठीक है। वैसे ही हमारे पास हमारा कौन सा है गुड्स है, वो है व्हीट। व्हीट का प्रोडक्शन पहले हम लोग का ये हो रहा था, ए पॉइंट पर हो रहा था, जैसे ही हम लोग रिसोर्सेस में चेंज किए, इंक्रीज किए, क्या किया, चेंज में क्या किया, इंक्रीज। चेंज भी हो सकता है, चेंज का मतलब दो हो सकता है, या तो आप इंक्रीज कर दीजिए या तो आप डिक्रीज कर दीजिए। तो उसमें से हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज, चेंज इंक्रीज हुआ। तो व्हीट का में रिसोर्सेज जब इंक्रीज हुआ, तो पहले जब जब पहले हम लोग पास जो रिसोर्सेज था उसके हिसाब से ए प्रोडक्शन हो रहा था, पर अब क्या हुआ, ए वन हो गया, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज करके यहाँ पहुंच गया। तो देखिए यहाँ पे, तो दोनों का एक्स गुड का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और वाई गुड का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इससे क्या हुआ, रोटेशन हुआ, दोनों में चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, मतलब कि इंक्रीज हुआ। तो दोनों में जब चेंज आया तो ये क्या होगा, ये शिफ्टिंग होगा फॉरवर्ड, क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया, शिफ्टिंग हो गया ना, आगे की ओर हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, है ना। शिफ्टिंग कैसे हुआ, दोनों जो दोनों पॉइंट चेंज हुआ, एक्स का भी और वाई का भी, ये शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, पीपीसी शिफ्ट टू राइट, ये है ना कंडीशन। कब पीपीसी शिफ्ट टू राइट कब होगा, जब रिसोर्सेस आर इंक्रीज, जब रिसोर्सेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पीपीसी शिफ्ट टू राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसोर्सेस आर रिड्यूस्ड, ठीक है। क्या हुआ, रिसोर्सेस रिड्यूस होगा, पहले हम लोग के पास ये खेत था, ठीक है, इतना बड़ा खेत था हम लोग के पास, ठीक है। इसमें व्हीट हो रहा था, इसमें क्लॉथ हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या हुआ कि रिसोर्सेज डिक्रीज कर गए, क्या किए, रिसोर्सेज डिक्रीज कर गए, तब हम लोग के पास ये खेत आ गया, ठीक है। अब इसमें व्हीट हो रहा है और इसमें क्लॉथ हो रहा है। तो जब इनिशियल था, जब पहले का टर्म में, तो क्या हुआ था, व्हीट का प्रोडक्शन ए यहाँ हो रहा था और क्लॉथ का प्रोडक्शन बी यहाँ हो रहा था, ठीक है। एक्स गुड हो गया, ये वाई गुड हो गया, ठीक है। पर जैसे ही क्या हुआ, रिसोर्सेस में डिक्रीज कर दिया, लैंड में डिक्रीज कर दिए। अब लैंड डिक्रीज हुआ तो उसी का एक ही जमीन इतना ही है, तो लेकिन अब हमारे पास आधा आधा में होने लगा, जैसे कि अब व्हीट इतना पार्ट में हो रहा, मतलब डिक्रीज हो गया। तो देखिये, व्हीट यहाँ से यहाँ आ गया, ये क्लॉथ पहले इतना हो रहा था पर इतना ही हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए, पहला पॉइंट ये था लेकिन रिसोर्सेस में क्या हुआ है, रिड्यूस्ड, रिसोर्सेस रिड्यूस हुआ है, तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, रिसोर्सेस रिड्यूस हुआ तो पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। इधर समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। वो हमारा था चेंज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब लैंड, वाटर, फैसिलिटीज, ये सब वगैरह वगैरह जो भी आया वो रिसोर्सेज हो गया। अब टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, हो सकता है कि
पहले हम लोग के पास क्या था? ट्रैक्टर था, पहले हम लोग के पास था क्या था? हल था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इफिशियंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इफिशियंट इफिशियंट टेक्नोलॉजी कहने का मतलब अच्छा सिस्टम, मतलब जो चेंज आया वो पॉजिटिव चेंज आया, मतलब कि अच्छा टेक्नोलॉजी हो गया। इफिशियंट टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा टेक्नोलॉजी जिससे हमको खेती करने में फायदा हो रहा था। तो पहले हम लोग पास जमीन इतना ही था, ठीक है, इसमें लगा रहे थे वीट, इसमें क्लॉथ, ठीक है। लेकिन हम लोग पास पहले क्या था? हल था। क्या था? हल था। हल देखा ना, इस टाइप का रहता है हल। पहले हम लोग पास हल था, लेकिन क्या हुआ अब? अब प्रेजेंट में क्या हुआ कि अब हम लोग के पास क्या आ गया? ट्रैक्टर आ गया। क्या आ गया? ट्रैक्टर आ गया। तो क्या होगा? पहले यही खेत था पर हल से जोत रहे थे, तो ज्यादा टाइम लेता था, खेत नहीं जोत पाता थे, तो क्या होता था? हम लोग का प्रोडक्शन सेम होता था एक एक गुड के लिए, पर ऐसे ही चेंज आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या, इफिशियंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स, इसको पहले समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा, नया एग्जाम्पल की तरह बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहले हम लोग पास वही खेत था, ठीक है, इसमें वीट लगा रहा था, इसमें क्लॉथ लगा रहा था। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ, ठीक है, उसका दूसरा कंडीशन है। पर उस कंडीशन के अंदर पहला कंडीशन क्या है? इफिशियंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एग्स, एग्स गुड के लिए। एग्स गुड हम लोग का कौन सा है? एग्स गुड है हम लोग का क्लॉथ, ठीक है। मान चले एग्स गुड कौन सा है? क्लॉथ है। तो क्लॉथ के लिए हम अब क्या किए? एच आई वी सीड लेना है। एच आई वी सीड भी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एच आई वी सीड मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सब सीड आल लेकर आ गया, मतलब कि उसमें क्या होगा कि ज्यादा उसका प्रोडक्टिविटी रहेगा, उसमें एक सीड लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो वो वाला सीड लेकर आ गया क्लॉथ के लिए, क्लॉथ मतलब लेकर आ गया हम लोग कॉटन के लिए, जूट जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए लेकर आ गया। तो क्या होगा अब? होगा क्या कि खेत इतना ही है हम लोग के पास, पर यही खेत में पहले प्रोडक्शन हम लोग के पास हो रहा था पॉइंट बी तक, मतलब कि 10 केजी प्रोडक्शन हो रहा होगा हम लोग को। पर जैसे ही हाई यील्डिंग अब सीड लाए हैं तो वैसे ही हम लोग का प्रोडक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन अब 20 केजी होने लगा। कितना होने लगा? 20 केजी होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज किए। किससे रिलेटेड चेंज किए? गुड एक्स से। तो गुड एक्स कौन सा है? क्लॉथ। तो क्लॉथ से जब टेक्नोलॉजी चेंज है क्लॉथ के लिए, तो हम लोग क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना। देखिए क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, देखिए बी टू बी वन हो गया। अब लेकिन वीट के लिए तो हम लोग एच आई वी सीड नहीं लाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी में हम लोग सीड ले रहे हैं, तो अगर वीट के लिए हम लोग एच आई वी सीड नहीं ला रहे हैं तो क्या होगा? वीट का प्रोडक्शन जो हो रहा था पहले 10 केजी, अभी भी कितना होगा? 10 केजी होगा। चेंज किसमें किए हैं? क्लॉथ में किए हैं। तो 10 से 20 केजी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि चेंज किए हैं, एच आई वी सीड लाए हैं। तो इसका प्रोडक्शन बी टू बी हो गया, बी वन हो गया। तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो किसमें से इंक्रीज हुआ? गुड एक्स में, बी टू बी वन। तो इसमें क्या होगा? ये पॉइंट यही रहेगा, दूसरा पॉइंट आगे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया रोटेशन, ये हो गया रोटेशन। क्या हो गया? ये हो गया रोटेशन। रोटेशन कब होता है? रोटेशन जब होता है जब किसी एक गुड में, एक गुड में आता है, एक गुड में चेंज होता है। तो एक गुड में चेंज हुआ है यहाँ पर गुड एक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वही अब क्या हुआ? इफिशियंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अब हम लोग उसमें गुड वाई में प्रोडक्शन चेंज कर लिए। अब इफिशियंट टेक्नोलॉजी हम लोग किसके लिए लाए हैं? गुड वाई में, ठीक है। वाई खेत है, ये एक्स गुड था, ये वाई गुड है। अब हम लोग वीट के लिए बढ़े टेक्नोलॉजी लाए, वीट के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी है, मतलब एच आई वी सीड लेकर आ गए, ठीक है। अब जब एच आई वी सीड वीट के लिए लेकर आ गए हैं तो क्या हुआ कि पहले प्रोडक्शन हो रहा था 10 टन, 10 टन हो रहा था किसका प्रोडक्शन? वीट का। पर जैसे ही एच आई वी सीड लाए अब हम लोग के पास कितना होने लगा? 20 टन। कितना होने लगा? 20 टन। मतलब चेंज का हुआ 10 से 20 हुआ, किसका हुआ? वीट का हुआ, मतलब वीट का मतलब एक्स गुड का। तो एक्स गुड का जब चेंज होगा, देखिए यहाँ यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, तो एक्स गुड का चेंज होगा, तो एक्स गुड का जब चेंज होगा तो इसका क्या बढ़ जाएगा? इसका शिफ्ट हो जाएगा
अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि रोटेट हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन पहले बी हो रहा था, 10 किलो हो रहा था, 20 टन होगा। देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा आगे, देखिए यहाँ पर हुआ ना, पहले प्रोडक्शन बीट का हो रहा था ए, जैसे ही अब एम गुड वाई के लिए हम टेक्नोलॉजी में चेंज लाए एच आई वी सीड, मतलब बीट के लिए लाए एच आई वी सीड, तो क्या हुआ प्रोडक्शन ए टू ए वन हो गया, पर हम लोग क्लॉथ के लिए नहीं लाए हैं तो क्लॉथ का प्रोडक्शन वही हो रहा है। तो चेंज किस में हुआ है, चेंज हुआ है सिर्फ गुड वाई में, क्योंकि चेंज हम लोग किससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी चेंज किए हैं, वीट से रिलेटेड, तो ए टू ए वन हो गया। टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, चाहे सीड हो सकता है, हो सकता है आप फर्टिलाइजर ले लाए बढ़िया सा, तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो अगर किसी ए गुड्स के लिए रिलेटेड लाएंगे तो सिर्फ ए गुड में चेंज होगा, तो वो हो गया रोटेशन। अगर दोनों गुड्स के लिए लाते तो शिफ्टिंग, वैसे आगे हम लोग देखेंगे। Efficient technology for the production of both goods X and Y. अब देखिए जो मैं बता रहा था आपको वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि efficient technology for the production of both goods X and Y. अब X के लिए भी लाया जा रहा है और Y के लिए भी लाया जा रहा है, मतलब कि ध्यान से देखिएगा, ये खेत है, वीट हो रहा था, क्लॉथ हो रहा था, एच आई वी सीड हम लोग लेकर आ गए दोनों के लिए, तो दोनों का प्रोडक्शन पहले 10 टन हो रहा था, इसका 10 टन हो रहा था, अब इंक्रीज करके कितना हो जाएगा 20 टन हो गया, इसका भी कितना हो गया 20 टन हो गया। तो पहले इसका प्रोडक्शन ए हो रहा था वीट का, ए पे ए पॉइंट पे हो रहा था, अब उसको ए वन में चल जाएगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, बी पर हो रहा था बी वन चला जाएगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो क्या हो गया दोनों में इंक्रीज हुआ, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा है कि नहीं। वही अगर हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अगर वही हम लोग क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं, इसका भी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसका भी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, टेक्नोलॉजी खराब हो जाता है। मान लो कि सूखा, मान लो कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से क्या होता है दोनों का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चेंज होगा दोनों में तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, जब निगेटिव चेंज होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। मतलब कि सिंपल सा है, कहने का मतलब यही है कि कोई भी चेंज अगर दोनों के लिए होगा तो शिफ्टिंग होगा, और कोई भी चेंज अगर किसी एक के लिए होगा तो वो रोटेशन होगा। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टू बेसिक प्रॉपर्टीज बताया गया है पीपीसी का। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दो प्रॉपर्टीज है, अब उसको ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लो डाउनवर्ड क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है इसको हम लोग जानते हैं कि क्यों होता है। ठीक है, मान लीजिए ये वीट का प्रोडक्शन हो रहा था वाई गुड पे और ये इसका क्लॉथ का। ठीक है, ठीक है, 10, 20, 30 ठीक है, हुआ क्या कि अगर हम लोग जिस तरह से बताए थे आपको, तो स्टार्टिंग में याद होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि ये हम लोग को अज्यूम किया जाता है, अज्यूम करके बैठे हैं कि जितना भी रिसोर्स है उसका हम लोग फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, तो हम लोग अगर सिर्फ वीट प्रोडक्शन करेंगे तो 30 टन वीट प्रोड्यूस हो सकता है। तो उसमें अगर 30 टन वीट प्रोड्यूशन हुआ, पूरे खेत को अच्छे से यूज कर लिए, जितना भी टेक्नोलॉजी था सबको अच्छे से यूज कर लिए, जितना पैसा था सब लगा देंगे, तो फुल यूटिलाइजेशन करने के बाद फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगा तो कितना टन होगा, किसी वीट का कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, वीट हो सकता है फिर कोई भी गुड्स का, मैक्सिमम किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस होगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल ये वीट का, तो वीट कितना प्रोड्यूस हुआ 30 kg, लेकिन अगर सिर्फ वीट का कर रहे हैं तो हम लोग का क्लॉथ नहीं होगा क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन किसके लिए कर रहे हैं, वीट के लिए। पर हम लोगों ने डिसाइड किया इस बार क्या कि हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे, किसका, वीट का। तो वीट का सैक्रिफाइस कर दिए 10 kg, तो हमको 10 मीटर क्लॉथ मिल गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा सेटिस्फाई करेंगे, 20 kg सेटिस्फाइड कर दिए, फिर 30 से 20 आया, 20 से और कम लेकर आ गए तो हमको 10 kg मिल गया। अब वही आप सेक्रीफाइस कर देंगे वीट का तो हमको 30 kg मिलेगा। मतलब कि अगर एक गुड का सेक्रीफाइस करेंगे तभी दूसरा गुड मिलेगा, ऐसा कभी कंडीशन नहीं होगा कि हम लोग वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो और इसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो। मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट पर आता, मान लीजिए यहाँ पर ये डिक्रीज, अगर इसको एक्स को बढ़ाने के लिए हमको वीट भी बढ़ जाता, अगर एक्स गुड बढ़ाते वीट भी बढ़ता तो क्या होता, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वैसे बनता। देखिए कैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये है, ठीक है, ये वीट का प्रोडक्शन हो रहा है,
ठीक है, एवियट का प्रोडक्शन हो रहा है और क्लॉथ का प्रोडक्शन, सारा रिसोर्स जितना भी था सारा लगा दिया वीट में, तो वीट का मॉडिफिकेशन प्रोडक्शन इसमें हुआ, क्लॉथ में कोई प्रोडक्शन नहीं लगा है तो क्लॉथ जीरो रहा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ कि अब हम लोग क्या किया, क्लॉथ का प्रोडक्शन करने लगे तो 10 केजी प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और वीट का प्रोडक्शन जैसे 10 केजी बढ़ाए क्लॉथ का, तो वीट का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता, अगर ऐसा होता तो मान लो वीट का प्रोडक्शन यहाँ आ जाता 10 केजी इसका ही बढ़ जाता, तो पॉइंट यहाँ जाता दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर 10 केजी इसका बढ़ाते हैं, फिर 10 केजी इसका बढ़ जाता, 10 केजी इसका बढ़ता तो फिर पॉइंट यहाँ से मैच करते हैं, यहाँ आता पॉइंट, तो क्या होता है, ये अपवर्ड शिफ्टिंग होता ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक ही कट्ठा खेत आपको दिया गया, एक ही एकड़ जमीन दिया गया आपको, और उसमें वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, फुल यूटिलाइज कर रहा है, तो और क्लॉथ का प्रोडक्शन करने लगेंगे, इसी में डाल देंगे क्लॉथ का भी, तो और वीट और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा क्या होगा कि जब भी होगा तो अगर एक गुड का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है इस खेत में, ठीक है, जैसे ही दूसरा गुड थोड़ा सा भी लाएंगे तो इस जो गुड़ है पहला का गुड़ जो लगा रहा था उसमें कमी आ जाएगा। इससे पहले वीट इतना था 10 केजी, जैसे ही हम लोग 10 केजी 10 मीटर इसको बढ़ाना 5 मीटर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ सेक्रीफाइस करेंगे वीट को, तभी बढ़ेगा, तो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे नीचे आएगा, ये थोड़ा आगे जाएगा तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, फिर इसको थोड़ा सा और घटाएंगे तो ये मेरा और बढ़ेगा तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा और घटेगा, पॉइंट यहाँ पर मिलते जाएगा। तो ये क्या हम लोग बता रहा है, ये बता रहा है कि हमेशा क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का स्लोप डाउनवर्ड होगा। क्यों होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ कि इट बिकॉज द इन सिचुएशन ऑफ फुल यूटिलाइजेशन द गिवन रिसोर्सेज द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, दोनों गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है, अगर एक को इंक्रीज करना था दूसरा को घटाना पड़ेगा, दोनों साथ में इंक्रीज नहीं हो सकता है, अगर ऐसा क्योंकि हम लोग ज्यूम कर चुके हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट टू, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव इन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऐसा क्यों होगा, देखिए ये कनकेव है, इसी ओर है, देखिए इस तरह से ऐसा है, कभी भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका रीजन है, इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एंड एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई विल बी हैव टू सैक्रिफाइस देन बिफोर, ऑपोजिटली कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल गुड्स टेंस। कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग को एक गुड्स अगर हम लोग को इंक्रीज करना है किसी, अगर मान लीजिए एक्स गुड और वाई गुड था, तो अगर एक्स गुड को इंक्रीज करना है तो वाई गुड को हटाना पड़ता है, इसी कारण से हम लोग का रीजन क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर कॉनकेव रहता है। टू इंक्रीज द टर्न लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, इन अदर वर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द वन यूज टू द अदर वे द इंक्रीज द मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी कॉस्ट। कहने का मतलब यही है सिंपल सा कि अगर गुड वाई को वाई इतना प्रोड्यूसर है और एक्स को इंक्रीज करना है तो इसको डिक्रीज करना पड़ता है, इसलिए हम लोग का ये जैसे कि देखिए ये डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, कभी ना तो ऐसा होगा कि ये कभी ऐसा होगा नहीं कि ये डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज करेंगे ये डिक्रीज होगा तब ऐसा बनता है कि नहीं, गुड्स वाई को डिक्रीज करते हैं और एक्स भी डिक्रीज हो रहा था तब हमारा कर्व ऐसे बनता, लेकिन ऐसा नहीं ना हो सकता है, हमेशा क्या होगा जब वाई को डिक्रीज करेंगे तो एक्स बढ़ेगा, वाई को डिक्रीज किए फिर एक्स बढ़ा, फिर वाई को डिक्रीज किए फिर एक्स बढ़ा, तो इसीलिए हम लोग का कॉनकेव होता है, ऐसा फिगर बनता है ना कि ऐसा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पहुंचते हैं, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इलस्ट्रेट द सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम जो है जो हम लोग पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्होम टू प्रोड्यूस, उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कैसे दर्शाते हैं और कैसे जानते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वी कैन एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एज अंडर, मतलब कि वही प्रॉब्लम वही है सेंट्रल प्रॉब्लम जो हम लोग का है, लेकिन हम लोग इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कैसे जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना, तो ये है, ये कोई एक्स गुड है, ये कोई वाई गुड है, मान लीजिए वीट है, ये कौन सा है क्लॉथ है। ठीक है,
तो क्या है कि अगर फुल्ली यूटिलाइजेशन हम लोग माना ही है क्या कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर बनाने समय ध्यान रखना कि हम लोग कोई भी गुड्स क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तब हम लोग का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, कोई इकोनॉमी है मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में अगर वीट का प्रोडक्शन अगर फुल्ली सारा लैंड जमीन वीट में लगाए, एग्जाम्पल है ये, ऐसा रियलिटी नहीं हो सकता, हम लोग एज्यूम करके पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए समझने के लिए ऐसा है कि अगर हम लोग वीट का प्रोडक्शन पूरा करेंगे तो हम लोग पूरा रिसोर्सेज वीट में लगा देंगे तो हम लोग को वीट मैक्सिमम 12 टन मिलेगा। 12 टन मान लीजिए यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि गुड्स ये एक्स गुड वीट है और वाई गुड्स क्लॉथ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पूरा रिसोर्सेज हम यूज किए तो हमको 6 टन वीट मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस समय हमको क्या मिलेगा, 0 क्लॉथ मिलेगा, तब पॉइंट ये आ जाएगा, ये मिलेगा 0 0, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग डिक्रीज करेंगे, अब हम लोग कुछ सोचेंगे कि इस खेत में थोड़ा सा जमीन क्लॉथ लगा देंगे तो क्लॉथ हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 6 बेल क्लॉथ मिलेगा, पर हम लोग को जमीन घटा हुआ जब कम मिला वीट को तो वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो दोनों का पॉइंट यहाँ मैच करेगा, ठीक है। वैसे ही अब हुआ कि फिर से डिक्रीज किए, ये 2 पॉइंट किए तो फिर ये इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो सेम चीज वही हुआ, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हुआ। तो हम लोग को यही डिसाइड करना कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं हम लोग का अलग अलग अपॉर्चुनिटी बता रहा है, ये भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 4 का प्रोडक्शन ये करें वीट का और 6 का करें, ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 टन हम गेहूं पैदा करें 0 टन क्लॉथ 0 बोल्स क्लॉथ प्रोड्यूस करें, है कि नहीं। तो ये हम लोग पर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा पॉइंट चूज करते हैं, ए पॉइंट चूज करते हैं, बी पॉइंट चूज करते हैं, सी पॉइंट चूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो पॉइंट चूज करने का मतलब क्या है कि कितना क्लॉथ यूज करना, कितना वीट यूज करना, वीट का प्रोडक्शन करना, तो इसी चीज को हम लोग को बताया प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन रिसोर्सेज एक्सप्रेस द डिफरेंट यूजेस ऑफ अराइजेस। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो रिसोर्सेज था उसको डिपेंड करना कि इतना में हम लोग को वीट लगाना है कि फुल में वीट लगाना है कि हाफ में वीट लगाना है, क्या करना है, क्योंकि अगर अगर फुल में वीट लगाएंगे तो हमको ये कंडीशन मिलेगा, इतना पर लगाएंगे तो ये कंडीशन मिलेगा, ये करेंगे तो हमको ये कंडीशन मिलेगा। तो ये हम लोग को डिसाइड करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हेल्प करते हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि सारा रिसोर्सेस किस में लगाएं और क्या चीज प्रोड्यूस करें और कितना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम लोग, हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए हाउ टू प्रोड्यूस में बताता है कि कोई भी गुड्स, ठीक है, प्रोडक्शन कोई भी गुड्स हो, गुड्स का जब प्रोडक्शन हो रहा है तो जो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर रहता है और उस प्रोडक्शन इसको चूज करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर पॉइंट ए बी सी में से अगर हम लोग कोई भी चूज करेंगे तो हम लोग को हमेशा यूटिलाइजेशन क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज का होगा फुल यूटिलाइजेशन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या, कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर टेक्निक यूज करें कि कैपिटल टेक्निक यूज करें। तो देखिए लेबर टेक्निक जो भी, अगर मान लीजिए कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम लेबर टेक्निक यूज करें कि कैपिटल टेक्निक यूज करें, तो इसी के लिए बताया गया है कि अगर कोई भी टेक्निक अगर यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी अगर टेक्निक आप यूज कर रहे हैं और अगर अगर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो आपका इफिशियंट यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, वो वाला मेथड सही है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। देखिए फिर समझते हैं, ये एक्स गुड पे वीट है, ये क्लॉथ है, मान लीजिए हम लेबर यूज किए, क्या किए लेबर, तो हम जब लेबर यूज किए इसी में तो हम मेरा जो प्रोडक्शन हुआ जिस हिसाब से हमारा जो अलग फैक्टर सब यूज करके पता चला कि हम लोग इतना वीट प्रोड्यूस करेंगे, इतना वीट प्रोडक्शन हो रहा है इतना, और इतना क्या हो रहा है क्लॉथ हो रहा है, तो जब हम लोग लेबर यूज किए तब, ठीक है, तो ये पॉइंट बना, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बना के रखे हुए थे हम लोग पहले से, और जब हम लेबर टेक्निक यूज किए तो देखे कि उस पॉइंट में बीच में हमको ये पॉइंट मिल रहा है,
ये पॉइंट मिल रहा है, इतना लेबर टेक्निक यूज करने पे मिल रहा है कि इतना वीट प्रोडक्शन हो रहा है, इतना क्लॉथ हो रहा है। वैसे ही सेम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अगर मान लीजिए कैपिटल टेक्निक यूज करते हैं, तो कैपिटल टेक्निक यूज किया तो हम लोग को ये पॉइंट मिला कि इतना क्लॉथ हो रहा है और इतना वीट हो रहा है, ठीक है ठीक है। चाहे फिर लेबर यूज किया तो फिर ही मिला, मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी कर्व चूज किए हैं तो हमको जो मिलना चाहिए वो पॉइंट हम लोग को हमेशा क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी कर्व के ऊपर ही मिलना चाहिए, ना कि उसके अंदर बाहर। अगर मान लीजिए अंदर मिल जाएगा तो ये अनइफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो इफिशियंट यूज या फिर लेस कॉस्टिव, लेस जिसमें कॉस्ट लग रहा है वो कौन सा रहेगा, कौन सा पता चलेगा, जो पॉइंट हम लोग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर मिलेगा वो। जैसे ही पॉइंट अगर अंदर आ गया तो वो हमारा अनइफिशियंट हो जाएगा, अनइफिशियंट हो क्यों हो जाएगा, जैसे देखिए मान लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें हम लोग को प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें से हमको मिल रहा है क्लॉथ, मान लीजिए मिल रहा है 5 bales और वीट मिल रहा है 2 tons, तो ये हम लोग का बन रहा है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म से देख रहे हैं, देखिए कितना एरिया कवर कर रहा है ये, ठीक है। वही हम लोग को दूसरा तरह से प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें 5 tons क्लॉथ मिल रहा है, 5 tons क्लॉथ मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमको 3 tons वीट मिल रहा है, 5 bales क्लॉथ मिला और 3 tons बेल्स मिला, और दूसरा कंडीशन क्या है, 5 bales क्लॉथ मिला और 2 tons वीट मिला, तो आप कौन सा चूज कीजिएगा, आप हमेशा चूज कीजिएगा ये सी पॉइंट, कौन सा पॉइंट चूज कीजिएगा, सी पॉइंट, ना कि ई पॉइंट। ई पॉइंट चूज कीजिएगा आप जिसमें 5 bales मिल रहा है क्लॉथ और वीट मिल रहा है बस वीट मिल रहा है बस 2 tons, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग पॉइंट सी यूज करते हैं तो ये क्या हुआ, ये बोल रहा है अंडर ग्रेड, इसमें क्या हुआ रिप्लेसमेंट, क्योंकि बेल्स उतना क्लॉथ उतना मिल रहा है पर वीट कम मिल रहा है, पर ये यूज कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादा मिल रहा है। मतलब क्या आपको पता चला कि जो भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होता है वो इफिशियंट होता है, वही टेक्निक को प्रोडक्शन यूज करना जो यूज करना, जैसे कि इस समय जब ये वाला प्रोडक्शन कर रहे थे तो इसमें लेबर टेक्निक यूज कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या होगा, लेबर टेक्निक कारगर साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्लॉथ तो सेम मिल रहा है पर जो वीट है वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम लोग यही चीज पर हम लोग जब कैपिटल टेक्निक यूज करने लगे होंगे तो हम लोग को मिलने लगा 5 bales क्लॉथ और 3 tons वीट, तो हम लोग को ज्यादा बढ़िया है। तो हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग को कहा जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर वो किससे मैच करना चाहिए, जो भी यूज करना है मेथड, तो उस मेथड जो भी हो उसका प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पर, तभी इफिशियंट होगा ना फिर अनइफिशियंट होगा, ठीक है। तो हमेशा कौन सा पॉइंट होना चाहिए, ये बी सी पॉइंट, या फिर मतलब जो भी पॉइंट हो वो कौन सा पॉइंट पर होना चाहिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पर, ना कि इनर और आउटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है The figure shows the how economy choose the technique that the enable the optimum use of available factor of production. As the efficient the point is very much inside the production possibility curve PP. It so the use of inefficient technique. If the efficient technique is used, देखिए ध्यान से पढ़िएगा. If the efficient technique is used, there will be more production of one commodity without sacrificing the production of the other, as shown by the point A and C. There will be more production of both commodities shown point B, relation to point A, जो मैंने बताया किस तरह से हमको 5 bales पे 2 tons मिल रहा है, जगह 3 tons मिल रहा था, हम लोग 3 tons वाला यूज करें, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का पर चलते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का फॉर वॉन्ट टू प्रोड्यूस, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि जो इकोनॉमी प्रोडक्शन हो रहा है किसके लिए हो रहा है, तो ये पीपीसी की हेल्प से हम लोग जान सकते हैं। अगर प्रोडक्शन अब आगे है, जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहेगा आगे रहेगा, और अगर तो ये हम लोग क्या शो करता है, हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है मार्केट में, आउटपुट जो ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी में, और वो हो रहा है सिर्फ इसके लिए हो रहा है, रिचर सेक्शन सोसाइटी के लिए हो रहा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस बात से कि अगर मार्केट में, ये मार्केट है ठीक है, मार्केट में अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने का शक्ति किसके अंदर रहेगा, जो रिच पीपल रहेगा उसके अंदर, पर
जैसे ही हम लोग जानते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट किसी इकोनॉमी है, इसमें इन्वेस्टमेंट की कमी है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मतलब ये क्या है, वहां के लोग गरीब हैं और वो क्या है, इन्वेस्टमेंट कमी हो रहा है, तो प्रोडक्शन आउटपुट नहीं हो रहा है। तो देखिए जब ये आगे की ओर रहेगा, मतलब कि मतलब राइटवर्ड रहेगा, देखिए द हायर लेवल ऑफ इम्पोटेंशियल आउटपुट व्हेन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर बीइंग बिकॉज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आर फेवर फीचर सेक्शन, जब फेवर ऑफ फीचर सेक्शन में रहेगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट रहेगा, सारा चीज का प्रोडक्शन आगे होगा, क्लॉथ का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी में सब कुछ का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब कि पीपीसी ये है, ठीक है, आगे की ओर है। पर जैसे ही मार्केट में हम लोग देखे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने लगेगा, मार्केट गरीब लोगों के फेवर से है, गरीब लोग ज्यादा है उसमें, तो क्या इन्वेस्टमेंट डिक्रीज रहेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ये बैकवर्ड शिफ्ट रहेगा, दोनों चीज का प्रोडक्शन कम होगा, क्यों होगा, ये वाला पीपीसी क्या इंडिकेट कर रहा है, लोअर लेवल पोटेंशियल आउटपुट व्हेन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द लो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर, आगे है तो एक फेवर रिच है और पीछे है तो किसका पुअर गया है, क्यों है, जब ज्यादा आगे है ये ज्यादा शो कर रहा है, क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सेविंग शो कर रहा है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग शो कर रहा है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इसलिए आगे रहेगा, जितना कम सेविंग होगा उतना कम इन्वेस्टमेंट होगा उतना पीछे प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो फिर वो उनको प्रोड्यूस हो जाएगा, आगे हुआ तो रिजर्व सेक्शन के लिए, पीछे वाला वो पुअर सेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हम अभी जस्ट आपको बताया पीछे टॉपिक में कि जो भी पॉइंट पीपीसी पर रहेगा वो पॉइंट बताएगा फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, और जो भी पॉइंट इसके अंदर रहेगा वो इनइफिशियंट बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, इसको देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 बेल्स मिल रहा है हम लोग को क्लॉथ, और यहाँ पर व्हीट कितना मिल रहा है, 2 टन, कितना मिल रहा है 2 टन, ठीक है, पर वही तो ये क्या हुआ, फिर इसका यूटिलाइजेशन नहीं ना, रिसोर्सेज का फुल तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग शायद अच्छे से अपना लैंड यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को क्यों पता, कैसा पता चल रहा है कि फुल्ली नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन जो है नहीं अच्छा से हो पा रहा है, क्योंकि ये पीपीसी पर नहीं है। जैसे ही पॉइंट पीपीसी पर आएगा तो देखिए पीपीसी पर क्या है, पता चला कि 1 टन क्लॉथ तो हो रहा है, साथ ही साथ हम लोग को कितना वीट मिल रहा है, 3 टन वीट मिल रहा है। अब 1 बेल्स क्लॉथ के साथ 2 टन वीट मिल रहा है जो ज्यादा इफिशियंट है, या फिर 1 टन बेल्स के क्लॉथ के साथ हम लोग 3 टन मिल रहा है वो ज्यादा इफिशियंट है, तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को जो यही पता चलेगा कि हम लोग को ये वाला प्रोडक्शन से ज्यादा है, क्योंकि इसमें गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है, और वेल्स जो उतना ही क्लॉथ पे हम लोग को गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो ये हम लोग को ज्यादा इफिशियंट लगेगा। उसी तरह से देखिए ये जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट पर भी है 1 बेल्स मिलेगा पर हम लोग 2 टन मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब सिंपल सा है कि जो भी पॉइंट रहेगा अगर वो ये पीपीसी पॉइंट पर रहेगा तो वो ज्यादा देगा, देखिए उसका एरिया सेम रहेगा, देखिए ये एरिया हो या फिर ये एरिया हो या फिर ये एरिया हो या फिर ये एरिया हो, ये जितना भी बॉक्सेस मैंने बनाए हैं वो सारा का एरिया सेम रहेगा, मतलब कि इसमें से कोई पॉइंट चूज कर लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर, आपका जो रिसोर्सेस है उसका फुल यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, समझ गए होंगे शायद आप। देखिए अंडर यूटिलाइजेशन है और अनइफिशियंट यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो कब होगा जब पॉइंट इनर रहेगा, और फुल यूटिलाइजेशन कब होगा जब पॉइंट हम लोग का कहां रहेगा, ऑन द पीपीसी रहेगा, ठीक है, देखिए फुल यूटिलाइजेशन बताया जा रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं ध्यान से, ये होगा फुल यूटिलाइजेशन, ये होगा अंडर यूटिलाइजेशन, ये पीपीसी पर, ये इनर द पीपीसी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस हम लोगों ने देखा क्या होता है, बताते हैं आपको, देखिए ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेस में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि पहले हम जो इनिशियल पीपीसी है, पहले अगर इकोनॉमी में जो हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा था ये हो रहा था, ठीक है,
जैसे ये प्रोडक्शन हम लोग का यहाँ से के बाद जब प्रोडक्शन पॉजिटिविटी कर वो आगे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि रिसोर्सेज में ग्रोथ हुआ है, और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो रिसोर्सेज में ग्रोथ नहीं हुआ है। तो जानने के लिए क्या सिंपल सा है कि अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज हो गया है, अगर सेम रहेगा तो सेम वही एग्जिस्टिंग रहेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर रिसोर्सेज है, पहले हम लोग के पास खेत था एक एकड़ का, इसमें वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, इसमें क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा था, पर जैसे ही रिसोर्सेज में वीट इंक्रीज हुआ, अब हम लोग पास इतना खेत हो गया तो वीट का प्रोडक्शन इतना में होगा, क्लॉथ का इतना में हुआ, तो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ भी इंक्रीज किया यहाँ से यहाँ तक, और वीट का भी इंक्रीज किया यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि जो ये क्या हुआ, जब आगे शिफ्ट कर रहा है तो मतलब क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेट जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज देखने के लिए क्या देख सकते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट मतलब पता ही है, दोनों तरह के गुड में चेंज होना, इंक्रीज या डिक्रीज होना, दोनों में सेम क्वांटिटी से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।